हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण का। जानेंगे कि डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और भी कई सारी चीज़ें। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। जब भी कोई बालक क्लास में बैठा है और टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, लेकिन हो सकता है कि बच्चे को समझ में ना आ रहा हो, टीचर समझा ना पा रहा हो या बच्चा खुद भी ना समझ पा रहा हो, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाता है। तो ये कारण हो सकते हैं पिछड़ेपन के। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई घृणा, कोई द्वेष है या फिर उसकी बुद्धि से संबंधित कोई बात है, उसका IQ लेवल कम है, तो भी बच्चा पिछड़ जाता है पढ़ाई में। अगर टीचर किसी चीज़ को बहुत ही तेज़ी से समझा रहा है, बहुत ही फास्ट अपनी क्लास को पढ़ाता है, तो ऐसे में बच्चे चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे ही बालकों को निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है और उनके अंदर जो भी समस्याएं होती है, उन समस्याओं के समाधान को खोजने के लिए टीचर और विद्यालय शिक्षण की दो नई विधियां, जिसे निदानात्मक और उपचारात्मक कहते हैं, इनका प्रयोग करने का प्रयास करते हैं टीचर और विद्यालय दोनों मिलकर के। तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है कि बच्चों के अंदर जो भी समस्याएं हैं, इनको हम उपचार इसका कर सके, इसको जान सके कि बच्चों के अंदर क्या परेशानियाँ हैं। तो अब जानिएगा कि निदानात्मक शिक्षण क्या है, इसका अर्थ क्या है। निदानात्मक को हम इंग्लिश में डायग्नोस्टिक कहते हैं। तो डायग्नोस्टिक जो शब्द है, ये डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतर है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मूल कारण अथवा रोग निर्णय। अगर निदानात्मक जो शब्द है, इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, तो इसका अर्थ होता है कि कारणों को पहचानना या समस्या की पहचान करना। तो जिस प्रकार से एक डॉक्टर जो है वो रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है या उसके रोग की पहचान करता है, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो तुरंत इलाज तो करने नहीं लगता है, सबसे पहले वो चेक करता है कि क्या प्रॉब्लम है इस मरीज में, क्या दिक्कतें हैं, कौन सा रोग है। जब उसे ये पता चल जाता है कि कौन सा रोग है, हमें किसका इलाज करना है, तभी तो वह रोग इलाज करता है उसका, तभी वो ऑपरेशन करता है। तुरंत डायरेक्ट आप जाते हो, ऑपरेशन करना तो स्टार्ट कर नहीं देता। तो उसी प्रकार से शिक्षक और छात्र की विषयगत मंदता और पिछड़ेपन या उसकी अधिगम संबंधित त्रुटियां, मतलब जो पढ़ाई में बच्चों को जो कठिनाई आती है सीखने में, उनमें कोई त्रुटियां हैं या कमी है, इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी कठिनाइयों का निदान करता है टीचर। निदान का मतलब जानने की कोशिश करना जो समस्या है। तो इस यही पर क्या होता है कि जो टीचर है वो अपने बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाता है, किसके द्वारा? निदानात्मक शिक्षण के द्वारा। इसी को हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। शिक्षक जो है वो पहले निदानात्मक शिक्षण के द्वारा अपने छात्रों की कठिनाइयों का निदान करते हैं या पता लगाते हैं, उसके बाद वे अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर योकम और सिम्पसन ने लिखा है कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद ही आता है। जाहिर सी बात है कि आप पहले कठिनाई का पता लगाओगे, तभी तो कठिनाई की जो कठिनाई है उसका समाधान कर पाओगे। तो इन्होंने यही यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले निदानात्मक शिक्षण आता है, ना कि उपचारात्मक शिक्षण आता है। तो आपने जान लिया कि निदानात्मक शिक्षण का क्या अर्थ होता है, जहाँ पर जो बच्चों के अंदर कठिनाई है अधिगम संबंधी, कि बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम है कहाँ पर, वो चीज़ों को जानना निदानात्मक शिक्षण का कार्य है कि उसके थ्रू हम पता लगाते हैं। अब यहाँ पर जो परिभाषा है उसको देख लीजिए। परिभाषा मर्सेल के अनुसार है कि जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है, उसको हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। अगली परिभाषा गुड व बार्फी के अनुसार है कि निदानात्मक शिक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके उत्तरों की सावधानी से जाँच करने की प्रक्रिया का एक उल्लेख होता है। तो ये दो परिभाषा आपको याद रखनी है। अब आगे देखिएगा निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला उद्देश्य है कि छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित स्वाभाविक अथवा जन्मजात कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करना।
और अगला है कि छात्र की पाठ विषय से संबंधित विशिष्ट कठिनाई से अवगत होना। तो दो प्रकार की कठिनाई होती है, जो उसके स्वाभाविक रूप से कोई कठिनाई हो सकती है, उसकी जन्मजात कठिनाई भी हो सकती है कि जन्म से जब वह पैदा हुआ तभी से वह ऐसा है, तो उसका पता लगाना। और दूसरा है कि पाठ से संबंधित क्या कठिनाई है, बच्चों को पाठ में पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका पता लगाना। तो आगे देखिएगा, इससे यदि छात्र की पाठ विषय से संबंधित कठिनाई स्वाभाविक है तो पाठ को उसकी योग्यता के अनुसार बनाया जाना आवश्यक है कि अगर पाठ में कोई कठिनाई है या बच्चे के अनुसार उसकी योग्यता के अनुसार वो पाठ नहीं है तो इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। और इसके विपरीत यदि उसकी विशिष्ट कठिनाई है तो उसमें अधिगम संबंधी विभिन्न कार्यों के द्वारा अधिगम की प्रभावशाली आदतों का विकास किया जाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर यही उद्देश्य है कि बच्चों का हम जो भी कठिनाई है उसे जान सके, और निदान का तो अर्थ ही होता है कि कठिनाई का पता लगाना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी निदानात्मक शिक्षण के बारे में। अब देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग क्या है। तो जब हमने निदानात्मक शिक्षण के द्वारा पता लगा लिया, जान लिया कि कठिनाई क्या है, तो अब हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे बच्चे का। आधुनिक शिक्षा शास्त्र में उपचारात्मक शब्द जो है ये औषधि शास्त्र से ग्रहण किया गया है। इस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को अधिगम संबंधी दोषों से मुक्त करके उनको ज्ञानार्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। जब वो जान जाते हैं कि बच्चे अंदर क्या कठिनाई थी, उसको क्या समस्या थी, तब उसके समस्या का समाधान करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है, बहुत ही अच्छा शिक्षण है, जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो प्रेरित क्रियाओं के द्वारा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में भी आगे बढ़ाता है या अग्रसर करता है। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान कर सके। तो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा एक टीचर अपने बच्चों का उपचार कर सकता है, यानी कि उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करता है। वो उसे पहले पता करता है कि क्या रोग है, उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज करता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। अब आगे देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों का अंत करना, जो भी उनके अंदर कमी थी उसको दूर करना, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करना, और उनके भविष्य में जो भी दोष हैं उनसे मुक्त रखना, उनको आज़ाद रखना, छात्रों की दोषपूर्ण आदतों को समाप्त करके उनको एक उत्तम रूप देना, बालकों की अवांछनीय रुचियां, आदेशों, दृष्टिकोण को वांछनीय बनाना। और दूसरे शब्दों में उपचारात्मक शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि जब सब प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना। तो ये इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता है कि बच्चों की जो भी त्रुटियां हैं अधिगम से रिलेटेड या सीखने से रिलेटेड, तो वो सारी त्रुटियों को दूर करना, सुधारना, और बच्चे को एक प्रभावशाली शिक्षा दे पाना। तो यही इसका उद्देश्य होता है, हर एक चीज़ों से दूर रखना, हर एक परेशानी को उसकी दूर करना। अब आगे देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की कुछ विधियाँ बताई गई हैं। यहाँ पर 5 विधियां हैं, छात्रों की त्रुटियों को यदा कदा शुद्ध कर देना, और प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी या लर्निंग से रिलेटेड जो भी दोष हैं, जो भी कमी है, उनको व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उनको दूर करने के उपाय बताना, और छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनको विभिन्न समूहों में टुकड़ों टुकड़ों में बाँट कर उनके शिक्षण की व्यवस्था करना, छात्रों के छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को बांट करके कुछ 4-5 बच्चों का आपस में अलग अलग डिवाइड करके फिर आप उनको पढ़ा सकते हैं, तो इससे भी हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। अगला है कि कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोष, कमजोरियों और बुरी आदतों का निदान करके या जान करके उनको उनसे मुक्त कर देना।
तो यही है हमारा उपचारात्मक शिक्षण करने की विधियाँ। तो दोस्तों आई होप आपको उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ में आई होंगी। और एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं कि जो निदानात्मक शिक्षण है उसके द्वारा हम कमियों का पता लगाते हैं, और जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसके द्वारा हम बच्चों का उपचार करते हैं या उनकी जो समस्या हमने निदानात्मक के द्वारा प्राप्त की है उसका हम उस समस्या का समाधान करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें आपने जाना है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण को। तो कैसी लगी आज की क्लास, अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट है तो भी आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।